डेली हाउस वाइफ कुकिंग में स्वागत है। तो दूध फट गया है, तो देखिए इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो आप कढ़ाई गर्म है उसमें डाल दीजिए और इसको पानी पूरा सुखाइए धीरे धीरे, और इसमें गुड़ डाल दीजिए। तो ये बहुत हेल्दी बन जाता है, फटा हुआ दूध कभी फेंकना नहीं चाहिए, इसका भी यूज बहुत अच्छा होता है। तो इसको पानी सुखाते सुखाते और गुड़ डाल के और थोड़ा सा गैस लगे, देखिए इस तरह से तैयार हो गया। तो ये रबड़ी तैयार हो गया और खाने में अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये रबड़ी तैयार हो गया। और बहुत आदमी क्या करते हैं कि दूध फट जाता है तो फेंक देते हैं, फेंकना नहीं है, दे है या तो किसी को दे दीजिए, या तो छेना बना लीजिए, या तो ये रबड़ी बना लीजिए। तो ये गुड़ वाला रबड़ी बहुत हेल्दी होता है, बहुत टेस्टी भी लगता है और बहुत फ़ायदा करता है खाने से। तो देखिए बन के तैयार हो चुका है एकदम अच्छे से। अब इसको निकाल के यूज करिए, ज़्यादा दूध नहीं था, थोड़ा सा दूध था। तो आपका जितना दूध फटता है तो उसको आप ताज़ा दूध को फाड़ के बनाइएगा, इतना स्वादिष्ट है। इसमें इलायची भी डाल दीजिए, इलायची का पाउडर, तो और टेस्टी लगता है खाने में, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए एकदम बन के तैयार हो चुका है, देखिए कितना अच्छा, चम्मच से लेके खाइए एकदम मुँह में घुल जाएगा। इसका मिठाई भी बनता है, लेकिन ऐसे ही भी खा सकते हैं आप रोटी के साथ, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो आपका यूज बहुत अच्छा से हो जाएगा, बस पानी सुखाने में टाइम लगता है। तो आप देखिए फटा हुआ दूध का फटौंधा हम लोग बोलते हैं, एकदम खोवा जैसा तैयार हो गया है। इसको आप रोटी में भर के भी बना सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। तो देखिए ऐसे कटोरी में निकाल के इसमें थोड़ा सा काजू और किशमिश से गार्निश कर दीजिए, बनके तैयार।